कानून कहता है कि अगर दुर्घटना हुई है तो आप उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाइए। हम लोग भी चाहते हैं कि गलती से किसी के साथ दुर्घटना हो जाए तो हम लोग अस्पताल पहुंचाएंगे। कि अगर घटना स्थल पर चालक ये नेक काम करने के लिए रुक गया तो पब्लिक उसे जीवित नहीं छोड़े। केंद्र सरकार ने चालकों को मौत के हवाले किया है। हम चलते हैं तो अमित शाह मंत्रालय पहुंचते हैं, आदरणीय मोदी जी भी अपने पीएम हाउस पहुंचते हैं। चाहे दो चक्का हो या 32 चक्का हो, ठीक है, ये कभी ब्रेक फेल हो जाएगा। इतने बड़ा पॉकेट पर जिंदगी है, कभी फट सकता है। कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता है कि हम किसी को जबरदस्ती या जानबूझ कर एक्सीडेंट कर दें। आप देख रहे हैं कि पब्लिक देखते रहता है कि ड्राइवर का गलती नहीं है, फिर भी लोग ड्राइवर के ऊपर उतावला हो जाता है मारने पीटने के लिए। केंद्र सरकार के हिट एंड रन के खिलाफ देश भर में चक्का जाम आंदोलन चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन, केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, चालकों के खिलाफ काला कानून वापस लेना होगा, इस बैनर के साथ आज पटना के ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के बैनर तले आज पटना ऑटो संघ के जो चालक है वो हड़ताल कर रखे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इनसे बात करते हैं। पप्पू जी, क्या कुछ मांगे हैं? आप लोग लगातार हड़ताल कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, हड़ताल जो है वो एक किसी ऑटो चालकों का हड़ताल नहीं है, ये केंद्र सरकार के द्वारा जो हिट एंड रन नाम से जो नया कानून लाया गया है, इस कानून के विरोध में हम लोग दो दिवसीय हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल का हमारा दूसरा दिन है। ये कानून सबों के लिए बराबर है। जो लोग भी गाड़ी के स्टेयरिंग पर बैठे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल चालक हों या प्राइवेट कार चलाने वाले लोग हों या बड़े ट्रक टैंक लॉरी चलाने वाले लोग हों या ऑटो टोटो चलाने वाले लोग हों, ये कानून एक ऐसा कानून है जिस कानून के अंतर्गत केंद्र सरकार ने हर दुर्घटना के लिए ड्राइवर को जिम्मेवार बताया है। क्योंकि दुर्घटना के लिए सिर्फ ड्राइवर ही जिम्मेवार नहीं होता, दुर्घटना के कई कारण होते हैं। कोई भी चालक जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है, लेकिन अगर किसी के साथ ये अनहोनी हो गई तो इस कानून के अंतर्गत उसको 10 साल का जेल होगा, 7 लाख रुपए की जुर्माना होगी। कानून कहता है कि अगर दुर्घटना हुई है तो आप उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाइए। हम लोग भी चाहते हैं कि गलती से किसी के साथ दुर्घटना हो जाए तो हम लोग अस्पताल पहुंचाएंगे, लेकिन जानते हैं, आप सब जानते हैं कि अगर घटना स्थल पर चालक ये नेक काम करने के लिए रुक गया तो पब्लिक उसे जीवित नहीं छोड़ेगी। तो किसी न किसी रूप में केंद्र सरकार ने चालकों को मौत के हवाले किया है। इस कानून का विरोध करने के लिए ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन ने पूरे बिहार में 2 दिवसीय बंद का आह्वान किया। उसी बंद के आह्वान में आज हम लोग अपनी गाड़ी का परिचालन बंद रखे हैं और साथ ही इस बंद के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हम केंद्र सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आप चालकों को जितना कमज़ोर समझते हैं वो कमज़ोर नहीं है। वो अलग बात है कि जब हम लोग जागरूक नहीं थे तो आप हमारे ऊपर एक से एक फांसीवाद कानून लादते चले गए, लेकिन अब चालक जागरूक हो चुका है और देश को चलाने में चालकों की अहम भूमिका है। हम लोग अगर पूरे देश में चालक एक होकर अगर अपना परिचालन बंद कर देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। हम चलते हैं तो देश चलता है, हम चलते हैं तो अमित शाह मंत्रालय पहुंचते हैं, आदरणीय मोदी जी भी अपने पीएम हाउस पहुंचते हैं, सारे अफसर पहुंचते हैं, स्कूल कॉलेज अस्पताल फल सब्जी मंडी खाद्यान्न मंडियों में हम चालकों के दम पर बाजारों में रौनक है। जिस दिन हम सारे चालक एक होकर के अगर अपना काम बंद कर देंगे तो केंद्र सरकार के पास हमारी मांग मानने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। निश्चित रूप से जिस तरह से चालकों पर यह दबाव दिया जा रहा है और 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना जो है, निश्चित रूप से एक चालक के लिए इतना बड़ा सजा या फिर जुर्माना देना संभव नहीं है। क्या लगता है इस कानून के तहत क्या किया जा सकता है जो इससे जो चालक है उन्हें मुक्ति मिल सके? इस कानून को वापस ले लें, इसी में ड्राइवर लोग सभी भाई लोग को मुक्ति मिल सकता है, नहीं तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।
आखिर क्यों लाया गया ऐसा कानून? मेरी बात सुन लीजिए, एक बात, ये 200 बॉकेट इतना बड़ा है, उसी पर सारा के जिंदगी है ड्राइवर का, ठीक है। इतना बड़ा बॉकेट है, किसी का भी ब्रेक फेल हो सकता है, ये कोई जरूर नहीं है कि नहीं, चाहे 2 चक्का हो या 32 चक्का हो, ठीक है, ये कभी ब्रेक फेल हो जाएगा, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। इस कानून को अपना वापस लें, ठीक ना। हम लोग का कहना है कि ड्राइवर जिंदगी बौकीते पर है, 2 चक्का के ड्राइवर हो या 32 चक्का के हो, ठीक है, लेकिन वो इतने बड़ा बॉकेट पर जिंदगी है, कभी भी फट सकता है, कभी भी लीक कर सकता है। अब इस पर सोचिए, आप लोग विचार कैसा बनाइएगा, हम लोग के यही मांग है। निश्चित रूप से ये मशीनरी चीज़ है और मशीनरी के बदौलत ही गाड़ियाँ चलती है, और कहीं भी टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है और दुर्घटना जैसी कोई भी संभावना रहती है घट जाने की, इसमें चालक की कोई दोष नहीं होती है, चालकों का कहना है। लेकिन क्या जिस तरह से आज इस सरकार की तरफ से दबाव दिया जा रहा है, आप लोग का आंदोलन चल रहा है, ऐसे में क्या लग रहा है कि सरकार आपकी आंदोलन को देखते हुए अपना जो कानून है उसका संशोधन करेगी या उसे वापस करवाने की मांग कर रही हैं? वापस करवाने के लिए ही बोल रहे हैं। 7 लाख रुपया हम लोग कहाँ से देंगे? 200-400 रुपया कमाते हैं हम लोग, कोई जानबूझ के तो धक्का मारता नहीं है, जानबूझ के। आपकी भी तो जान है। हाँ, मेरी भी तो जान है, मेरे साथ मेरे बाल बच्चा का है, मेरे से ही जुड़ा हुआ है, कोई जानबूझ के ना किसी पे चढ़ा देगा तो मर जाएगा आदमी। इसलिए सरकार जो भी फैसला किए हैं उसको वापस लें। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है उसे वापस लेने की लगातार मांग कर की जा रही है, और क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जो हिट एंड कानून राउंड जो लाया है सर, हिट एंड राउंड, ये बहुत बड़ा ड्राइवर के ऊपर कष्टदायक जिंदगी है। एक ड्राइवर अपना बाल बच्चा को ठीक से भरण पोषण नहीं कर पाते हैं और वो 7 लाख जुर्माना और 10 साल सजा सर जान रहे हैं। कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता है कि हम किसी को जबरदस्ती या जानबूझकर एक्सीडेंट कर दें। एक दूसरे को बचाने में अक्सर एक्सीडेंट होता है, आप भी सर रास्ते में चलते हुएगा तो देखिएगा, एक दूसरे को बचाने में एक्सीडेंट होता है। और सरकार ये जो फरमान लाया है, ये फरमान कह रहा है सरकार की किसी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाए तो ड्राइवर गाड़ी रोक करके या पुलिस को इन्फॉर्म करे या उसको लेकर के अस्पताल जाए। आप देख रहे हैं कि पब्लिक देखते रहता है कि ड्राइवर का गलती नहीं है, फिर भी लोग ड्राइवर के ऊपर उतावला हो जाता है मारने पीटने के लिए। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि पटना ऑटो संघ के लोग हैं जो केंद्र सरकार के खिलाफ इतने आक्रोशित हैं, उन्होंने सीधे चेतावनी दी है कि अभी तो ये टेलर है, यदि सरकार हमारी मांगों को जल्द नहीं मानती है तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरे देश भर में होगा। चूंकि चालक से ही आज पूरी दुनिया चल रही है, अगर चालक ना हो तो देश की आर्थिक व्यवस्था भी खराब हो जाएगी। ऐसे में सरकार को संज्ञान लेते हुए इनकी मांगों पर विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा आने वाले दिनों में जब देश के सभी ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का हड़ताल अगर जारी होगा तो निश्चित रूप से देश के आर्थिक स्थिति पर भी प्रभावित होगा। दर्द न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।